प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर जींद से, आपको बता दें कि जींद के उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा था और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उचाना खुद आईटीआई में कौशल वृद्धि केंद्र के बारे में जानकारी दी है। BS6 बाइक के रिपेयर कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि इस काम को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौशल वृद्धि केंद्र के उद्घाटन से युवाओं में उत्साह होगा और आईटीआई का जल्द ही अपग्रेडेशन के साथ विस्तार किया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर जो जींद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज के दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जींद के उचाना में दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने कौशल वृद्धि विकास केंद्र पर एक नए आईटीआई का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि उचाना खुद में कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। BS6 बाइक के रिपेयर कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कौशल वृद्धि केंद्र की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौशल वृद्धि केंद्र से युवाओं में उत्साह होगा और आईटीआई का जल्द ही अपग्रेडेशन के साथ विस्तार कर दिया जाएगा। इस वक्त के लिए बड़ी खबर जींद से, आपको बता दें कि जींद के उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा था और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उचाना खुद आईटीआई में कौशल वृद्धि केंद्र के बारे में जानकारी दी है। BS6 बाइक के रिपेयर कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि इस काम को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौशल वृद्धि केंद्र के उद्घाटन से युवाओं में उत्साह होगा और आईटीआई का जल्द ही अपग्रेडेशन के साथ विस्तार किया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर जो जींद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज के दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जींद के उचाना में दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने कौशल वृद्धि विकास केंद्र पर एक नए आईटीआई का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि उचाना खुद में कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। BS6 बाइक के रिपेयर कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कौशल वृद्धि केंद्र की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौशल वृद्धि केंद्र से युवाओं में उत्साह होगा और आईटीआई का जल्द ही अपग्रेडेशन के साथ विस्तार कर दिया जाएगा। सर, आज होंडा के साथ किस तरह का यहाँ पे सहयोग मिला आप लोगों? होंडा ने CSR से स्किल एनहांसमेंट सेंटर उचाना खुद आईटीआई में बनाया है। हरियाणा का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ BS6 मोटरसाइकिल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको रिपेयर किया जाए, कैसे उसकी ओवरऑलिंग करी जाए, उसके ऊपर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि 20 सीटें इस कोर्स की यहाँ पर हमने फर्स्ट बैच में निकाली थी और पहले ही दिन 20 की 20 सीटें फुलफिल होगी। इसका मतलब बच्चे उत्साहित हैं। आज भी हमारे इस ITI में कोपा का, वेल्डर्स का, स्टिचिंग का 4 कोर्सेज चल रहे थे, मगर एक ये नया कोर्स वन ऑफ इट्स काइंड आया है और ख़ास तौर पर रूरल एरिया में। मानेसर गुड़गांव में तो सब ने खोल रखे हैं, मगर इस चीज़ को यहाँ लाना और आने वाले समय में जो यहाँ स्किल ट्रेंड बच्चे होंगे उनको अप्रेंटिसशिप के तौर पर होंडा में ही लगवाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 20 बच्चों का आज भविष्य बदले और धीरे धीरे वो 20 प्रोत्साहित करेंगे कि हरियाणा के प्रत्येक ITI को भी हम इस तरह अपग्रेड करें। तो और कितने के यहाँ पे कोर्सेज का प्रावधान किया गया है? अभी मैंने जगह देखी है, यहाँ पर लैंड अवेलेबल है और इसकी एक्सपेंशन को हम जल्द टेकअप करेंगे कि इस ITI को अपग्रेड भी किया जाए, एक्सपैंड भी किया जाए और बड़ा स्वरूप दिया जाए, किस इलाके के उचाना शहर के हो, दोनों उचानों के हो, साथ में हमारे बुडेन बोंगरा जितना ये बेल्ट पड़ती है 16-17 का, इनके बच्चों की एक बड़ा स्किल सेंटर बनाया जाए। साथ में पिछले दिनों जो TCI है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनने भी ये प्रस्ताव दिया है कि अगर लैंड उनको 10 एकड़ मिले तो 30 करोड़ की लागत से जैसे बच्चे यहाँ ट्रेन होते हैं और डायरेक्टली उनको कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ऑटोमेटिकली 75% भी पूरा हो रहा है और साथ में हरियाणा के युवाओं हरियाणा में नौकरी के संसाधन हम पैदा कर रहे हैं। और आज के दिन आपने खुद देखा हुआ, एक युवा साथी भाषण देने आया और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लैक करता था, एक थपकी देने के बाद उसने कितनी बढ़िया स्पीच दी, वो थपकी की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ, हमने तो खुद अपने जीवन में देखा है, मैं अमेरिका से पढ़ के आया था और गांव में आके वोट मांगने पड़ते थे, हमें भी अंडर कॉन्फिडेंस था, और वो थपकी मिली, कॉन्फिडेंस आया, आज हम घूमते ही नहीं केवल मात्र उनकी बात नहीं, उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। तो ये थपकी की है और समय अनुसार, चाहे सड़कों के स्ट्रेंथनिंग की बात हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो, कॉलेजेस के लिए चातर में ऑलरेडी लैंड हमने
डिपार्टमेंट को दे दी है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि जो हमारा हिसार जिले के लगता हुआ इलाका है, अगर हमें वहाँ लैंड मिल जाती है तो एक महिला कॉलेज वहाँ पर हम लेकर आए और जल्द उसके ऊपर भी कार्रवाई हम शुरू करेंगे। उसी तरीके से इंडस्ट्री के लिए जो पद्मा स्कीम आई है, जो पहला क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, उसको जींद जिले में उठाना।